नथिंग, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नजीब है, मैं तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूँ। मैं आप तमाम को एक अदबन रिक्वेस्ट है, जो आज कोरोना वायरल की वजह से काफ़ी लोग ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं और परेशान हो रहे हैं, और पहले से ज़्यादा भी जो पेशेंट्स अभी, जैसा कि कल की जो रिपोर्ट्स है कि 1600 चिल्लर केसेस जो ना जीएचएमसी में पाए गए, तो मैं एक रिक्वेस्ट है तमाम अपने भाइयों से ऑल कि हम अपने घरों पर ज़्यादा टाइम दें, मार्केट में बाहर ज़्यादा वक्त ना दें, क्योंकि ये वायरल जो है ना एक दूसरे से यहाँ तक इतना फैल गया, जैसा कि आप पिछले 1.5-2 महीने पहले 70 केस, 100 केस, 50, ये ऐसा हम देख रहे थे। अभी आज 1600 चिल्लर केसेस जो है ना ये जीएचएमसी में है, और सारे तेलंगाना में केसेस अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जीएचएमसी में ज़्यादा है। तो आप समझिए कि पूरे तेलंगाना में, सारे डिस्ट्रिक्ट में भी इतने केसेस नहीं है, तो वो लोग क्या अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, और वो लोग क्या अपने आप को प्रिकॉशन ले रहे हैं, और इतने केसेस जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हो रहे, तो वो भी आप लोग गौर करिए। और बाद लोग का कहना ये है कि लॉकडाउन होने पर ये बेहतर हो जाएगा, ठीक है, वो हुकूमत का इख्तियार है, हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो दे रही है लॉकडाउन करना या नहीं करना, तो हमको अभी हुकूमत का इंतज़ार करने का नहीं है। चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, हम ये समझे कि आज से लॉकडाउन हो गया बोलकर हम एहतियाती करें। हर जना ये सोच ले कि आज हम अपने आप को एक लॉकडाउन में हो गए बोल के हम एहतियाती करें, बेफजूल बाहर मत निकले, और जो हम डिस्टेंस के ताल्लुक से, जो बिल्कुल ही बिल्कुल डिस्टेंस के, अभी बोल सकते आप धज्जियाँ उड़ गए दुकानों पे, रोडों पे गैदरिंग कर लेते ठहरे हुए लोग, और जो भी अभी और दुकानें हैं, तो बेहतर ये है कि अगर हम एहतियाती नहीं करें तो फिर ज़ाहिर बात है केसेस कम नहीं बल्कि और बढ़ जाएंगे। और जैसा देख रहे हैं आप, जो जिसका इंतकाल भी हो रहा है वो ज़्यादा हो गया। अभी पिछले 15 दिन से तो हर एक आधे घंटे में सुनने में आ रहा है इनका इंतकाल हो गया, इनका इंतकाल हो गया। तो हम कोशिश करें कि खैर मौत तो हर एक को आनी है इंशाल्लाह, इससे कोई बच भी नहीं सका। हम कोशिश करेंगे कि खाली हम अपने ये वायरल की वजह से हम जो है ना ये लपट में ना आए, अगर मौत आनी है तो बरहक आनी चाहिए। और साथ ही साथ हम जब ये मालूम पड़ रहा है कि ये वायरल की वजह से मौत भी हो जा रही है, तो हम जैसा सैनिटाइज़र और मास्क जो भी हम प्रिकॉशन ले रहे हैं सिक्योर अपने आप। एक और एक चीज़ भी मैं अपने आप को भी ये बात बोल रहा हूँ और आप तमाम को ही बोलना चाह रहा हूँ कि हम अपनी आखिरत की भी तैयारी करें, क्योंकि मौत ये टाइम पर किसको आनी है, कब आनी है, कैसा आनी है, ये तो कोई बोल नहीं सकते। जबकि एक हिंट ये मिला के भी ये वायरल की वजह से मौत कभी भी आ सकती है, इतना तो हमको ये पता चल गया। तो हम जैसा मास्क लगा रहे, सैनिटाइज़ कर रहे अपने आप को, तो यही और एक भी चीज़ जो हमको ये आखिरत में काम आने वाली है, तो हम अपने आप को जो है ना आखिरत के लिए भी तैयारी करें, और हम जितना हो सकता अपने नमाज़ें, कुरान, जो भी नफिल रोज़े, हम जितनी इबादतें कर सकते वो करिए, और हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अल्लाह मुकम्मल हम और आप मिलकर पूरे करें और मानने की तैयारी करें, हम आखिरत बनाएं, क्योंकि मौत का तो भरोसा है नहीं, ये कोरोना की वजह से या कभी भी हो सकती मौत। तो बेहतर इसी में है कि हम जब इतना प्रिकॉशन ले रहे, इतनी सिक्योरिटी कर ले रहे अपने आप की, तो सबसे हमको काम आने वाली एक सिक्योरिटी ये भी है कि हम अपने आप को बचें और वजू से रहें, और जब आपको वक्त आज़ा हो रही तो बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करें, और सारे लोग जितने हो सकते कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, नफील रोज़े रहें। और हम तमाम बच्चों से, बड़ों से, बूढ़ों से यही बार बार कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझाने की कि एहतियाती करें, और अपने अपने घरों में भी अपने बच्चों को भी
एहतियाती कराए, बेफजूल जो रोडों पे फिर रहे हैं। और एक एक चीज़ भी हम एक स्टार्ट ले रहे हैं और ले चुके हैं, जिस किसी को जो ऑक्सीजन के ताल्लुक से जो हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिल रहा ऑक्सीजन, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक हम एक 4 मुस्तैक लोगों तक हम सिलेंडर पहुँचाए, जो हम ख़रीदे थे सिलेंडर जो ऑक्सीजन के लिए, तो हम पहुँचाए अभी। तो हमारी कोशिश भी चल रही है कि आगे भी हम और कुछ सिलेंडर और हम परचेस करें, और हम भी हमारी जितनी इस्तेतात है हम ये काम कर रहे हैं। तो अभी हम 4 सिलेंडर तो परचेस करे हैं, जो भी मुस्तैक लोग हैं उन तक हम ये पहुंचा रहे हैं जो रिक्वा भी। आगे भी हम ये ऑक्सीजन का काम जो है ना, जिस किसी के मुस्तैक लोग हैं उनके घर पे जो है ना, हम ये ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो गुज़िश्ता 8-10 दिन से हम ये ऑक्सीजन का जो सिलेंडर्स है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह हम जैसा हमारी इस्तेमाल बढ़ेंगी तो और भी हम सिलेंडर जो है ना बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जिस किसी को भी जो ऑक्सीजन लेने में तकलीफ़ हो रही है, जो हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं है, तो जो घर पे ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, तो जिस किसी को भी ऑक्सीजन का है मसला, इंशाल्लाह हम से कांटेक्ट करें और हम कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम बराबर आप तक पहुँचाएँगे। अभी मगर हम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 सिलेंडर है, इंशाल्लाह हमारी इस्तेमाल के मुताबिक अभी हम और भी कर रहे हैं इंतज़ाम। हम सराउंडिंग एरिया में टोली चौकी और गोलकुंडे के ऊपर मेरा ये करीबी सराउंडिंग एरिया है, तो मैं पहले ये एरिया को कवर करना चाह रहा हूँ। हर जन अपनी अपनी बस्ती, अपना अपना घर और अपना एरिया अगर देख लिया तो हमको दूर दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मेरी इस्तेमाल और भी अगर हो गई तो इंशाल्लाह मैं और भी कोशिश करूँगा। मैं तो आप तमाम से एक ही दुआ है कि हमारे अपने कामों के लिए और हम जो काम कर रहे हैं उसकी दुआ करिए, और हमको अल्लाह ताला इस कामों में कामयाबी बनाए, और कुछ चीज़ों से हमको परेशानी ना हो, और हम किसी के लिए भी जब मदद के लिए ठहर रहे तो अल्लाह हमारी मदद के लिए भी ठहरेगा, हमको ये भरोसा है अल्लाह पे। इंशाल्लाह इस बात को मैं ख़त्म करते हुए TV11 इब्राहिम रिपोर्टर के साथ मैं आज जो आपके बीच आया हूँ, मैं रिपोर्टर इब्राहिम का भी जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को भी कवरेज करते हैं और आप लोग में शेयर करते हैं। तो इसी ये बताने का एक ही है मकसद के जो लोग में एक इंकरेजमेंट आना और एक अवेयरनेस आना, बल्कि इनका भी ये मकसद रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लॉकडाउन से शुरू से हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम आगे भी काम करेंगे। और तमाम से अदबन एक रिक्वेस्ट है फिर से कि ये लॉकडाउन को बरकरार रखें, इसमें एहतियाती करें, और हर जना ये समझ ले कि आज से लॉकडाउन हो चुका है, बल्कि हम एहतियाती करें और डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाए और अपनी आखिरत की तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ चैनल स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस।